राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं राहुल। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है, एसपी ऑफिस के बाहर से है। जमीन को घपला भाव है, जमीन में लफड़ा भाव है भैया। तो इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनवा रहे। जो मामला मादगुआ थाना क्षेत्र को है, का नाम भैया? फिरोज खान। इतने आज एसपी ऑफिस काय के लाने हैं? एसपी ऑफिस हम शिकायत करने आए हैं। हमारे साथ हमारे चाचा लोगों के साथ 420 हुई है। कहाँ को मामला? कहाँ? ये छतरपुर का मामला है। छतरपुर लोकल को? लोकल। कैसी 420 काम? 420 ऐसी हुई है कि हमारी पुश्तैनी जमीन मादगुआ मौजा में मौजूद है, जिसकी बिक्री हमारे चाचा और पापा लोगों ने राजकुमारी पाठक के नाम पे एग्रीमेंट के एवज में की। उन्होंने हमारी पूरी जमीन लिखवा ली, 4 एकड़ देने के बात थी, और संपूर्ण पूरी जमीन, पूरे हिस्से की, चारों लोगों के पूरे हिस्से की जमीन लिखवा ली। और दूसरी 420 ये करी है कि दिए 3 लाख रुपए हैं चेक के माध्यम से, और उसमें एग्रीमेंट में लिखवा दिए कि 9 लाख रुपए पूर्व में ले चुके, टोटल 12 लाख रुपए। ना ही हमें जो 9 लाख रुपया मिला है, और ना ही हमने इन्हें पूरी जमीन देने की कोई बात की थी। टोटल 4 एकड़ जमीन देने की, 4 लोगों की 1-1 एकड़ जमीन देने की बात करी थी। इन्होंने कागजों में हमें पढ़वाया कुछ और अंदर पेश किए कुछ। इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, हमारे चाचा लोगों के साथ। इनने पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाया हमारे चाचा लोगों का, और हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ये अंशुल मिश्रा है, प्रॉपर्टी डीलर, जो रेलवे स्टेशन पन्ना रोड पे उसका ऑफिस है, और इसकी रिश्तेदार है राजकुमारी पाठक, जिसके नाम पे इसने ये एग्रीमेंट करवाया है। तो हम श्रीमान जी यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और हमने जितनी जमीन देने का इनसे वादा किया था, हम उतनी जमीन देने के लिए आज भी तैयार। जमीन 4 एकड़ तय हुई थी? 4 एकड़ तय हुई थी, तो हम 4 एकड़ देने के लिए तैयार हैं। 6.5 एकड़ से हमारी बात हुई थी इनसे, जिसमें इनने हमें 3 लाख रुपए चेक के माध्यम से बयाने के तौर पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दिए। बाकी 9 लाख रुपया जो इन्होंने 420 की हमारे साथ कि हमको पढ़वाए कुछ कागज हैं और वहाँ पे पेश कुछ कागज किए, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें रजिस्ट्री ऑफिस वाले भी जो वहाँ बैठे हैं अधिकारी, वो भी इन्हीं भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। नहीं तो इतनी बड़ी 420 हो ही नहीं सकती, बिना किसी सक्षम अधिकारी के ये 420 नहीं हो सकती है। जब ये 9 लाख इन्हें लिखवाए, तो कौन अधिकारी ने, कर्मचारी ने, उठे के कौन? उन्होंने मैडम बैठी थी, मैडम ने पूछा कि आप लोगों को ये चेकें मिल गई हैं? तो हम लोगों ने कहा कि जी मैडम, चेकें हम लोगों को मिल गई हैं। पैसों का उनने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही पैसों के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने ये भी पूछा था कि कितनी जमीन दे रहे हो, तो हम लोगों ने कहा मैडम 4 एकड़ दे रहे हैं, और मैडम ने कहा ठीक है ठीक है। लिखा पड़ी 5.5 एकड़ और लिखा पड़ी 5.5 एकड़ की हो गई है टोटल, पूरे मतलब संपूर्ण 4 लोगों के हिस्से में जितनी संपूर्ण आ रही है उसकी हो गई है। जो है भैया, जमीन में 420 जा करी गई है, जैसे कि इनको इल्जाम है, इनको कहो है कि 4 एकड़ जमीन हमारी तय भई थी, लेकिन लिखा पढ़ी पूरी 5.5 एकड़ जमीन की करा ली गई, जबकि लिखा पढ़ी में होने थी, रजिस्ट्री होने थी 4 एकड़ की। 6.5 लाख रुपया एकड़ इनकी जमीन तय भई थी, जैसे कि इनको कहो है फिरोज को, 6.5 लाख, तो वह हो रही 24 लाख की, 26 लाख की, माफ करियो भैया, 26 लाख की। अब 26 लाख रुपया की जमीन इनकी तय भई 4 एकड़, 6.5 लाख को 1 एकड़। इन्हें 3 लाख रुपया एग्रीमेंट के टाइम पे दो गो कि जब एग्रीमेंट भो, फिर इनको कहो है कि अंदर जाके लिखा पढ़ी कछू और भाई 9 लाख रुपया की लिखा पढ़ी इन्हें अलग से करवा ले, जो कि रुपया हमें नहीं मिलो और न हमें प्राप्त भो, ओवर लिखा पड़ी हो गई। तो ऐसे इनको इल्जाम है, ऐसे इनको कहो कि हमारी जमीन में धोखाधड़ी भाई, हमारे संगे धोखाधड़ी करी गई, हमारे चाचा के संगे, हमारे पापा के संगे। अब जो छानबीन को विषय है, हालांकि जो एसपी साहब लोग आए हैं शिकायत कर भी, अब जो छानबीन को विषय है, पुलिस में छानबीन कर है, किसका सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। कोतवाली में भी नए आवेदन दो है, कोतवाली में अब सुनवाई नहीं। हमने इसका पूर्व में 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को हमने सिटी कोतवाली में भी इसका आवेदन दिया था, जिसके एवज में ना ही कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, और ना ही कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जो है भैया कि अब तक कोनो कार्रवाई नहीं करी गई है, न पूर्व में भी अवगत कराओ तो पुलिस का, कोतवाली पुलिस का। बुंदेली चुगली की खबर भैया समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया।